ओके, दिस इज़ लेक्चर नंबर टू ऑफ द टॉपिक रिमोट सेंसिंग। इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट होगा, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को डिस्कस करेंगे, देन सेंसर्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर नंबर वन में हमने स्टडी किया था रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट, और उसकी दो टाइप्स थी, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग थी और एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे एमिट एंड रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। रिमोट सेंसिंग यूजेस सेंसर्स। रिमोट सेंसिंग में आप सेंसर इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कहाँ से आ रही होती हैं, जो एमिट होती हैं या जो रिफ्लेक्ट होती हैं टारगेट ऑब्जेक्ट से। इस डायग्राम में देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें या तो ये रेडिएशन जो सन से आ रही है ये रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होके हमारे सेटेलाइट है इसके ऊपर सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, या आपका ऑब्जेक्ट अगर रेडिएशन एमिट करता है वो रेडिएशन एमिट होके सेटेलाइट पे मौजूद सेंसर्स जो हैं वहाँ तक पहुँचती हैं और वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी हम बता चुके हूँ आपको, एक्सेप्शन है, एब्जॉर्ब करती रेडिएशन को, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजर कैटेगरीज जो हैं वो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड टिल रेडियो वेव, माइक्रोवेव। यहाँ पे हमारी विजिबल लाइट का आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ है आपके पास 0.38, 2.72 माइक्रोमीटर। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट 0.30 से 0.38 माइक्रोमीटर है। गामा रेज इज़ लेस देन 0.03 नैनोमीटर। एक्स रे इज़ रेंजेस बिटवीन 0.03 से 300 नैनोमीटर। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आपके ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ये कलर सारे इसमें इस रेंज में फॉल करते हैं। ये विजिबल लाइट का आपके पास जो रेंज है। अब जो रेडिएशन आती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर और उसकी एमिसिविटी के ऊपर। एमिसिविटी एक नई टर्म है, इसका मतलब होता है कि द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल सरफेस टू एमिट रेडिएशन। कोई भी जो मटेरियल सरफेस है वो जो रेडिएशन एमिट करता है उसका कंपैरिजन आप करते हैं टू अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ये होती है एमिसिविटी, विच वेरीज ऑन द फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, एमिशन एंगल एंड वेवलेंथ। बेसिकली जो ब्लैक बॉडी होती है इज एन आयरलाइज्ड फिजिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर आ रही होती हैं ब्लैक बॉडी उनको क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है विद नो रिफ्लेक्शन। दिस इज आइडियलाइज्ड, हैंस उसकी जो एमिसिविटी होती है वो वन होती है। एक जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, फिर बात हम परफेक्ट रिफ्लेक्टर की कर रहे हैं, उसकी जो एमिसिविटी होती है, और परफेक्ट रिफ्लेक्टर की बात करें तो वाइट बॉडी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो ज़ीरो होती है। इन नेचर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ग्रे बॉडीज हुज एमिसिविटीज लाई बिटवीन जीरो एंड वन। ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये मैंने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट आपका। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे परसेंटेज रिफ्लेक्शन है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ दी हुई है आपको। अगर मैं ये वेजिटेशन की बात करूँ, ग्रीन वेजिटेशन, हम किस तरह से बेसिकली इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, ग्रीन वेजिटेशन है। इसका ये ग्राफ आप देखिएगा, ये जो लाइन जा रही है ये अब ये जो आपके पास ग्रीन वेजिटेशन का लाइन है या इसको हम कर्व कह सकते हैं, ये मैक्सिमम इस रेंज में है। अगर आप देखें तो 0.8 ये आपकी वेवलेंथ है, माइक्रो 0.8 माइक्रोमीटर, ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको दे रहा है। कहाँ पे वेजिटेशन गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन टू इन्फ्रारेड चैनल। वापस जाएं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये अगर आप देखें इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड कहाँ गया इन्फ्रारेड, ये आपके पास इन्फ्रारेड देखें 0.72 से आगे और इसके ये आपके पास जो है 0.72 से स्टार्ट हो जाता है इन्फ्रारेड, आगे नियर इन्फ्रारेड है। सो 0.72 से लेके ऑनवर्ड्स आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ तक
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रहता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ग्रीन वेजिटेशन है उसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज रिफ्लेक्शन है वो आपकी इंफ्रारेड चैनल में फॉल कर रही है। इसी तरह सॉइल की भी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन परसेंटेज रिफ्लेक्शन तो हर चैनल में आ रही है थोड़ी थोड़ी, जो हमारा विजिबल उसका है स्पेक्ट्रम, लेकिन किसी एक वेवलेंथ में वो ज़्यादा परसेंटेज शो करता है रिफ्लेक्शन का। लाइक ग्रीन वेजिटेशन ज़्यादा शो कर रहा है इंफ्रारेड चैनल के अंदर। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए या इस चीज़ का इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि ग्रीन वेजिटेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस मे हैव डिफरेंट एमिटेड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फीचर्स इन अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। यही बात जो मैंने अभी की कि आपके पास अर्थ सरफेस पे डिफरेंट जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट अमीशन होता है या रिफ्लेक्शन होता है रेडिएशंस का इन अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, कि इन अ रेंज ऑफ वेवलेंथ आपका जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट है हर एक जो आपका ऑब्जेक्ट है लाइक ग्रीन वेजिटेशन है या सॉइल है। द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वुड हेल्प द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लैंड कवर्स। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर यानी ये जो हमने इसको स्टडी किया ये हमसे हमें हेल्प क्या मिलती है, आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं डिफरेंट लैंड कवर्स के लैंड सरफेसेस आपकी किस तरह की है, वेजिटेटेड है या नॉन वेजिटेटेड है। क्योंकि वेजिटेटेड का जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है कि वो इंफ्रारेड में ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसी तरह नॉन वेजिटेटेड की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिजीज्ड और स्ट्रेस्ड वेजिटेशन की अपनी होंगी, सर्टन टाइप्स ऑफ प्लांट्स और सॉइल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम अपनी अर्थ को क्लासीफाई कर सकते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स की बेस पर। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इट इज़ क्लियर दैट वेजिटेशन gives very strong reflection to infrared channel over red channel and this statistics can be used to identify vegetation cover over the globe। और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं ग्लोब अपने ज़मीन के ऊपर वेजिटेशन कवर को मालूम करने के लिए। इट शुड बी नोटेड डैट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स चेंज बहुत ओवर टाइम, ये चेंज भी होते हैं। क्यों? डिफरेंट ग्रोथ सीजन में ग्रोथ डिफरेंट होता है एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ट्री स्पीशीज इन द फॉरेस्ट, तो ये चेंज भी हो जाते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स।